प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य गांव-गांव, शहर-शहर शौचालय बनवाकर देश को खुले में शौच से मुक्ति दिलाना था। लेकिन इस योजना के तहत हो रहे लाखों के भ्रष्टाचार ने प्रधानमंत्री के इस अति महत्वाकांक्षी अभियान की पोल खोल कर रख दी। सरपंच और ग्राम सचिवों ने मिलकर इस योजना की आड़ में भ्रष्टाचार का खेल खेला है। इसके बारे में हमारी बच्ची अच्छी जाती है, लेडीज महिला जाती है, वहाँ सांप बिच्छू निकलते हैं, लैट्रिन नहीं हो पाती हैं वे लोग। बहुत बुरी स्थिति है हमारे यहाँ लैट्रिन की। प्रधानमंत्री से हमारे यहाँ सब कुछ मिल रहा है और सब कुछ कागजों में कंप्लीट है, और यहाँ कुछ नहीं है। लैट्रिन मैट्रिन है नहीं, बहुत परेशान है हमको। छोटे छोटे बच्चे है हमारे, बहुत दिक्कत है हमको। साल 2018-19 में भिंड जिले को शौच मुक्त यानी कि ओपन डेफेकेशन फ्री घोषित किया गया था, लेकिन सच इसके एकदम परे है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच सचिव को सुविधा शुल्क नहीं दे पाने के कारण गांव के कई गरीब परिवारों को शौचालय नसीब नहीं हो रहा। वो आज भी खुले में शौच करने के लिए विवश हैं। खास तौर पर महिलाओं के लिए ये बड़ी परेशानी है। शाम को सूरज ढलने के बाद महिलाएं टोली बनाकर जंगल में शौच के लिए जाती हैं। अब का बताना, देख लो लैट्रिन नियाखे इतना इतना गड्ढा कर दिया, पैसा खा गया पहले से सरपंच ने। हमारा एक रुपया नहीं दिया, एक रुपया करे नहीं, एक रुपया नहीं दिया। हमारा सब परेशानी हम लेके बाहर जाता है। लैट्रिन सही नहीं बना है, बड़े परेशान है। देखो शौचालय बिल्कुल टूटा हुआ पड़ा है, ना तो गड्ढा बना उसका, ना पाइप जोड़ो, और रास्ता भी खराब है। देखो हमारी रास्ता भी देख सकते हो आप, के अगर झूठ बोल रहे हो कि रास्ता में कितनी दिक्कत होती है हमको, बाहर जाने पड़ता है। सांप बिच्छू जे दिन निकलते ही इतने बड़े बड़े निकलते हैं, सांप के देखने में आप देख के ही रह जाओगे। इसके बारे में ये कहेंगे, इसमें काम सही से नहीं करवाया गया और जल्दी से ये खराब हो गया है, अभी तक चालू भी नहीं हुआ है। लगभग इसको बने हुए कितने समय हो गए? एक साल हो गया है इसको। आपकी सरपंच सेक्रेटरी ने इसका मुआयना किया है? चाबी नहीं देते हैं वो, अभी तक खोला ही नहीं इसको। गांव में एक साल पहले ही लाखों की लागत से 350 शौचालय बनकर तैयार हुए हैं, लेकिन सिर्फ कागजों में। और मजे की बात तो ये है, इस गांव में 3,75,000 रुपए में एक सामुदायिक स्वच्छता मिशन के तहत सार्वजनिक शौचालय एक साल पहले ही बनाया गया था, जिसका ताला आज तक नहीं खुला है। उपयोग ना होने की वजह से वो बेचारा खड़े खड़े शर्म से धरती में समा रहा है। हमें पता नहीं जी, आपके उसमें नहीं आता है क्या? ना आता, लेकिन इसी वर्ष किया था। इसी वर्ष किया था? इसकी लागत कितनी थी? 3,00,000, 3,00,000 कुछ राशि है। अभी ये जनता के लिए खुला नहीं है? नहीं, अभी काम चल रहा है उस पर, प्रगति रहता है, अगर पूरा पूरी तरह से उसका काम नहीं हुआ है। आपका गाँव शौच मुक्त हो गया है? हाँ। कितने आपके यहाँ पे शौचालय तैयार किए गए हैं अभी वर्तमान में? हाँ, अपने कुल टोटल तमाम शौचालय टोटल 350। सरकार वादे तो करती है, लेकिन या तो वो वादे पूरे नहीं होते, और अगर पूरे होते भी हैं तो बिचौलियों के चलते आम आदमी को उसके लाभ नहीं मिल पाते। और अगर किसी तरह लोगों तक योजनाएं पहुंच भी जाएं, तो हर एक व्यक्ति को उनके लाभ नहीं मिल पाते।